नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं नवरेश शर्मा। खबर आ रही है गुजरात के नर्मदा जिले से। जी हां, केवड़िया कॉलोनी चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क में वाइटल कंपनी के माध्यम से काम कर रहे सफाई कामदारों की मैनेजर के साथ आपस में कुछ बहस हुई, जिसके कारण कुछ लोगों को ड्यूटी पर से निकाल दिया गया है, जिससे मामला गर्मा गया है। आपको बता दें, अभी भारत विकास ग्रुप कंपनी के सफाई कामदारों का नौकरी से निकालने का मामला शांत भी नहीं हुआ था, तब तक दूसरी समस्या चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क में खड़ी हो चुकी है। स्थानीय गरीब लोगों को ड्यूटी पर से निकाल देने का सिलसिला चालू हो चुका है। इससे गरीब मजदूरों में रोष व्याप्त है। एक तरफ सरकार गरीब आदिवासियों को नौकरी दिला रही है, तो दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्टर तथा मैनेजर द्वारा ऐसे गरीब लोगों का शोषण करके उनका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। इस पूरे मामले पर इंडिया खबर लाइव संवाददाता ने इस मामले से संबंधित लोगों से बात की। हम यहां पर चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क की जगह पर खड़े हैं, जहां पर वाइटल्स कंपनी के अंडर में कुछ सफाई कामदार यहां पर काम कर रहे थे और उनके कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपस में कुछ आज बोलना हुआ है। आइए हम उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि ये पूरी घटना क्या है। क्या नाम है सर आपका? भगवान भाई सोलंकी। क्या हुआ था आज? सर ऐसा हुआ कि लड़का मोबाइल यूज़ कर रहा था, तो ये ऐसे वर्तमान किया कि उसको भगा दो, मार के भगा दो। तो ये शब्द नहीं बोलना चाहिए ना। किसने बोला? तिवारी जी ने। तिवारी सर यहाँ पर कौन सी पोस्ट पर फर्ज? मैनेजर में है, वाइटल मैनेजर में है, और साथ में वो क्या, वो विनीत भी था। विनीत को बोला कि विनीत वो लड़के को मोबाइल वाला है, तो उसको मार के भगा दे। तो विनीत ने डायरेक्ट सुनील को बोला कि तेरे को मार के भगा दूंगा। तो ये शब्द नहीं बोलना चाहिए। पूंजी को पूंजी नहीं समझेगा तो क्या हमारा कोई वैल्यू है कंपनी में? काम ही नहीं करना है। आप यहाँ पर कितने समय से ड्यूटी कर रहे हो? 4 महीने से काम कर रहे हैं। और आपको यहाँ पर कितनी तनख्वाह देते हैं? देखो काट कूट के कुछ ऐसा मिलता है, 230 रुपये पर डे मिलता है। 230 रुपये में ये महंगाई में क्या करेगा आदमी? क्या है ये पूरा मामला? हाँ जी सर, ये हम लोग इधर ड्यूटी करने के लिए आते हैं, तो 10 मिनट हम लोग बोलते हैं कि सब सफाई कर्मचारी है, सबके लिए एक बंदा 10 मिनट के लिए बाहर जाएगा चाय लेने के लिए, तो भी हम लोग चाय लेने के लिए भी जाने नहीं देता है। और लंच का जो टाइम है, तो कोई बंदा खाना लाया है नहीं लाया है, तो 10 मिनट के लिए उसको बाहर खाने के लिए भी जाने दे रहा नहीं है। और हमारी ये है कि हम लोग आज सरकारी रेट जो है तो 350-350 रुपये रेट चल रहा है, तो भी हम लोग 230 रुपये रेट में हम लोग काम कर रहे हैं, और ऊपर से हम लोग ऊपर दबाव डाल रहा है वो लोग। ये पूरा मामला क्या है सर? ये तो हर बार का रोज का है, 2 दिन नहीं होता ये लोगों का, कुछ ना कुछ नया इश्यू होता है हर बार। ये वाइटल कंपनी अच्छा ही करती है हमारे साथ, पहले भी कितनी बार बताया। सैलरी का तो जितनी भी बार बोलते हो उनका कुछ दिमाग में है ही नहीं कुछ बात। अभी आपको कितनी सैलरी मिलती है? 230 रुपये। आपने सैलरी को लेकर, आपने सैलरी को लेकर किसी अधिकारी को रजुआत की? बताया है वाइटल में कोई ऐसा साहब नहीं जिसको हमने नहीं बताया कि सैलरी हमको नहीं परवरती। तो उनकी तरफ से आपको क्या प्रत्युत्तर मिला? होता ही नहीं है उनका। तो अब आप आगे क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं, अब तो हम लोग क्या करेंगे, हम तो गरीब आदमी, कुछ तो कुछ निकाल दिया है, हमको निकाल दिया है, अब तो हम जहाँ रोजी मिलेगी वहाँ चले जाएंगे और क्या करेंगे। आपका क्या कहना है? सर हमारा तो इतना ही कहना है कि सर 4 महीने से ड्यूटी कर रहे हैं हम लोग इधर वाइटल कंपनी में, तो इधर हम लोग 4 महीने से देख रहे हैं सर कि इधर हमारा कोई वैल्यू नहीं है पहला तो, क्योंकि जब भी हम लोग कोई छुट्टी मांगने जाते हैं या चाहे 10-15 मिनट के लिए बोल रहे हैं कि सर चाय लेने जाना है कि नाश्ता करने जाना है, तो साहब लोग बोलते हैं कि छुट्टी बुट्टी कोई मिलेगा नहीं, 8 घंटे आपको ड्यूटी करना है इधर, 8 घंटे करना है तो रहो, नहीं करना है तो बाहर जाओ, बस यही है। इन लोग का 4 महीने से सुनते आ रहे हैं हम लोग, और आज तिवारी सर ने बोल दिया है हाँ जिसको ड्यूटी करना है वो 8 घंटा करना है वो बाहर जाएगा, ऐसा बोल दिया है। तो ये थे हमारे चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क के वाइटल्स कंपनी के अंडर में एक सफाई कामदार, जो कि यहाँ पर पिछले 4 महीने से ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उसको सैलरी को लेकर और अन्य भी काफ़ी यहाँ पर उसके प्रश्न उपस्थित है, और उसके कॉन्ट्रैक्टर द्वारा भी उसके साथ अच्छी तरह से बर्ताव नहीं किया जाता। क्या इन गरीब लोगों को न्याय मिलेगा और सरकार इन गरीब मजदूरों की बात सुनेगी? इंडिया खबर लाइव से मैं गौतम व्यास, गुजरात नर्मदा।